हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा गलन अभी भी सही नहीं हुआ है, तो कुछ दिनों आपको और मेरी इसी सुरीली आवाज़ से काम चलाना होगा, क्योंकि थोड़ा वक्त लगेगा गले को सही होने में। तो आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में आलू के पराठे, जिसके लिए कि मैंने आलू को उबाल के रख दिया है और मैंने ये दो प्याज को छील के रख दिया, इनको चॉप कर दूंगी, और लहसुन अदरक का पेस्ट और धनिया डाल के इसको बनाएंगे। तो चलिए इसका स्टफिंग तैयार करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको आलू के पराठे बनाते हुए। तो फ्रेंड्स, मैंने आलू को मैश करके इसमें ऐड कर दिया था, प्याज काट के और हरा धनिया, सूखा धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और नमक और लहसुन का पेस्ट। तो ये सबको अच्छे से मिला के फिर हमको इसकी स्टफिंग जो है भर देनी है आटे में, और इसे बन जाएगा आलू का पराठा। तो चलिए मैं बनाती हूँ फटाफट आलू का पराठा, क्योंकि नौनी को हो चुका है लेट। हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरी ना आवाज़ फंस रही है बहुत बुरी तरह से अभी भी। तो ग्रीन टी पी रही हूँ सुबह सुबह, एंटी स्ट्रेस ग्रीन टी है ये, तो ये पी रही हूँ सुबह सुबह। और माहौल आप देख सकते हैं, मेरे पीछे हवा चल रही है और मौसम थोड़ा सा बादल है आज भी। मैंने सोचा सूट पहनूंगी, सूट को प्रेस व्रेस करके रखा था, कुर्ता पहनने का मूड था, बट मौसम को देख के लग नहीं रहा है फिर, क्योंकि ठंडा होने वाला है फिर से। तो मेरे को ना ठंड में नहीं पहना जाता कुर्ता, मेरे से गर्मी होती तभी मैं कुर्ता पहन पाती। तो आज का जो मौसम है ठंडा है, और आजकल यहाँ पे मौसम वैसे ही चल रहा है, अगर तेज़ धूप लग रही है तो गर्मी हो जा रही है, अगर बारिश पड़ रही है तो एकदम से ठंड हो जा रही है। तो जो भी नैनीताल आते हैं गर्म कपड़े साथ में लेके ही चलें। तो मैं अपने घर से हूँ अभी, तो देखिए घर से अभी मैं आई हूँ, तो ये यहाँ पे खड़ी हूँ, और यहाँ से लेक व्यू कुछ इस तरह का दिखता है। तो आवाज़ यार ठीक नहीं हो रही मेरी, काफ़ी दिन हो गए। तो मेरे को फ्रेंड्स इसमें क्या कहते हैं कमेंट्स करके बता रहे कि मुझे, कल एक व्यूअर ने बताया था कि मुझे क्या क्या लेना चाहिए, बट वो सब मैं अभी नहीं कर पाई हूँ। अभी तो फिलहाल ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी से ही काम चला रही हूँ। तो उसके बाद तो चलिए मैं कैमरा टर्न करके एक बार आप लोगों को यहाँ से एक थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ, इसके बाद भी बाजार जाते हुए मिलेंगे। खिचड़ी बना रही हूँ मैं अभी ना, खिचड़ी बन जाएगी फिर नहा के मैं निकलती हूँ दुकान की तरफ। टाइम आई थिंक 10:30 बज चुके हैं, मेरा घड़ी नहीं पहनी हुई मैंने, हाँ तो 10:38 अभी हो रहे हैं। तो चलिए कैमरा टर्न करते हैं और देखते हैं क्या क्या चल रहा है इस समय, कैसा कैसा है वातावरण। तो फ्रेंड्स ये देखिए घर से नज़ारा कुछ इस तरह का, और हवा चल रही है अच्छी खासी, मेरा कप गया था नीचे अभी। तो ये देखिए हवा चल रही है बहुत तेज़ वाली, तो लग रहा है धूप लगेगी भी लग रहा है, बारिश होगी भी लग रहा है, पता नहीं क्या होगा मौसम का। तो इस तरह का यहाँ से है व्यू, ये लेक व्यू है सामने, तो लेक में बोट्स काफ़ी दिख रही है सुबह सुबह से। तो ये देखिए आज क्या वो अच्छी बात ये हुई है कि कंचन आ गई है, तो दुकान खोलने वो जा चुकी है, और लंगूर, ओ मम्मा बच गई मैं, इधर को आता तो मुझे धक्का देता वो। तो चलिए मैं कैमरा ऑफ करती हूँ और चलती हूँ, थोड़ा नहा लू लेती हूँ, खाना वाना पैक करती हूँ, फिर निकलती हूँ। तो फ्रेंड्स सुबह सुबह ने अब इतने बड़े बड़े लंगूर आ जाते हैं, इनको अगर डांट मारने जाओ ना उधर तो ये हमारे को काटने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे इस पेड़ में देखिए सामने बैठा हुआ, अभी ऐसे दौड़ के एक मेरी तरफ को आया ना, मैं उसको देख के डरी गई थी। देखिए तो सामने से अभी मेरे को काट भी सकता है, ये देखिए इतना बड़ा है, देख रहा है यहाँ पे, तो मेरे को खतरा है कभी भी दौड़ के मेरी तरफ आ सकता है ये। तो मैं दिखाती हूँ आपको, सामने पेड़ पर भी एक बैठा हुआ है देखिए, तो मैं दूर से दिखा रही हूँ, कैमरा जूम नहीं कर सकती, मेरे हाथ में ग्रीन टी का मग है मेरा, तो जिसकी वजह से मैं टर्न नहीं कर सकती, सॉरी जूम नहीं कर सकती अभी ना। तो चलिए मैं चलती हूँ अंदर को अभी, इससे पहले मेरे पे झपटा मार दें ये लोग। तो मौसम आप देखो इस तरह का बना हुआ, अभी धूप लग रही कभी छाँव कभी धूप कभी छाँव, पता ही नहीं चल रहा कैसा मौसम है। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ इधर बड़ा बाजार में, एक्चुअली मुझे मेडिसिन लेनी थी कंचन की, तो उस चक्कर में मैं यहाँ से आ गई बड़ा बाजार होते हुए। फिर मैंने अपने बैग में चेक किया, तो मेरे बैग में मेडिसिन थी पड़ी हुई, सुग्रेन थी और गैस वाली भी थी, तो इधर उधर आइए मैं उसको खिला दूँगी तो का हेडेक सही हो जाएगा। तो ये देखिए बड़ा बाजार इस तरह से है, तो मैं आज 2-3 दिन के बाद इधर से आई, तो मैं उस साइड से आती हूँ अवागढ़ वाली रोड से ना। तो इस समय सुबह के समय सुबह तो नहीं है, 12 बज चुके हैं, तो यहाँ पे इस तरह का कुछ नज़ारा है अभी। तो चलते हुए वीडियो बना रही, शायद हिलती डुलती सी आएगी थोड़ी। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से, मतलब अच्छा सा लगता है इसे सामने को देखो ना, सामने से पहाड़ दिखता है इस तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है खूबसूरत सी खड़ी बाजार। तो मेरी आवाज़ नहीं, अभी बिल्कुल फंसी फंसी सी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बात करने में भी। तो इस तरह से देखिए खड़ी बाजार में, तो अक्सर मैं इस तरफ से आती हूँ तो शूट कर ही लेती हूँ बड़ा बाजार का भी और खड़ी बाजार का भी। तो ये इस तरह से यहाँ से बड़ी सुंदर सी, रात को बहुत अच्छी लगती है जब लाइटें सब जली होती है इसमें। तो चले रश नहीं है अभी सुबह के समय, 12:30 बजे शाम को जब हम 7-8 बजे के आसपास, अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश रहता है, अभी नहीं है, अभी हल्के फुल्के से लोग हैं जो बैठे हुए हैं सिर्फ। तो पता नहीं आवाज़ आएगी नहीं आएगी, तो वैसे ही अटक रही है आवाज़, इससे ज़्यादा आवाज़ निकलेगी भी नहीं मेरी। तो चले चलती हूँ मैं नीचे को, दिखाती हूँ आप लोगों को ट्रैफिक की क्या हाल चाल है, वो जाके आपको रोड में पता चलेगा नीचे, ICICI बैंक के नीचे को जाके। तो मैं चलते चलते शूट कर रही हूँ, कोशिश तो कर रही हूँ कि ना हिले, बट चलते चलते वीडियो का हिलना, और एक हाथ से पकड़ा हुआ है कैमरा तो हिलना फिर हिल ही जाता है कैमरा ना। तो यहाँ पे आके इस साइड को जब हम जाते थे जलाल शाह बाज़ार, इधर को आता है, मैं इस बाज़ार में भी आपको एक दिन लेके गई थी आप लोगों को, ये भी जैसे ऊपर बड़ा बाज़ार उसी टाइप की गली थी है, और दोनों तरफ दुकानें, बीच में रोड है, दोनों तरफ से है
शॉप से, तो इस तरह से है। तो यहाँ पे मुझे पर्पल कलर का बड़ा खूबसूरत सा फूल खिला हुआ नज़र आ रहा है, देखिए। तो चले चलते हम लोग नीचे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे पहुँची ही थी रोड में, तो यहाँ पे आप देख सकते गाड़ियों की लंबी सी लाइन लगी हुई है, बड़ी लंबी सी लाइन, तो मतलब कि ट्रैफिक है ही आज भी। तो यहाँ पे सीजन टाइम में क्या रहता है, ऑल टाइम ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। हम लोग तो गाड़ी निकालते ही नहीं सीजन टाइम में, या तो टैक्सी से जाते हैं या तो फिर बाइक से ही जाते हैं। तो मेरे को रोड क्रॉस करना था, लो कर लिया मैंने क्रॉस। तो देखिए इस तरह से लगी हुई है लाइन गाड़ियों की। तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम, जैसे कि मैं बताई सीजन टाइम में आम बात है ट्रैफिक जाम होना, तो जो भी नैनीताल आए तो ट्रैफिक जाम के लिए तो तैयार होकर ही आए कि लगना ही लगना है यहाँ पे। यहाँ नैनीताल में ही नहीं कहूँगी मैं, हिल स्टेशन में जहाँ भी मैं जाती हूँ ना इस समय में, क्या फेब में मैं दार्जिलिंग गई थी, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा, जब हम लोग एक कौन सी मार्केट थी यार, एक उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, एक मार्केट है वहाँ पे हम लोग गए थे, इतना जाम था मतलब 2 घंटे हमको ना ट्रैफिक से निकलने में लगे। तो हिल स्टेशन में सभी जगह ट्रैफिक का प्रॉब्लम रहता ही है, जब ज़्यादा गाड़ियाँ आ जाती। तो सिर्फ नैनीताल की बात नहीं करेंगे, सारी हिल स्टेशन में, सभी हिल स्टेशन में जहाँ जहाँ भी मैं गई मैंने सभी जगहों पर ट्रैफिक जाम को फेस किया है। तो सभी लोग तैयार होकर आना चाहिए पहाड़ों पर। फिर सामने देखिए पार्किंग एकदम फुल है, बिल्कुल पैक। तो ये जो गाड़ियाँ यहाँ से टर्न कर रही ना उधर को, वहाँ पे लग रहा है जाम टर्न करने में। तो यहाँ से देखिए गाड़ियाँ बिल्कुल फुल है पार्किंग का। और ये फील्ड का नज़ारा कुछ इस तरह का है, और ये कुछ बना हुआ है सामने, तीन ये बने हुए कितने छोटे छोटे से विश्राम गृह टाइप्स क्या बने हुए पता नहीं, कुछ बना हुआ है। एक में तो स्टॉल टाइप का लगा हुआ, बीच में दो जो इधर उधर है वो खाली पड़े हुए हैं। तो बड़ी खूबसूरत सा नज़ारा हम लोगों को यहाँ से दिखता है मस्जिद के सामने से आके। तो मोनेस्ट्री भी मुझे नज़र आ रही है, पर बात वही सेम की कैमरा जूम करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ जो झंडे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे मोनेस्ट्री है। तो रोड के बिल्कुल साइड में खड़ी हुई, डर लग रहा है कि पीछे से कोई गाड़ी आके मार के ना चली जाए मुझे, इतनी डरपोक हूँ ना मैं। तो इस तरह से देखिए अभी खुल गई है, खुल गया है जैम जो लगा था रोड जैम। तो ये देखिए यहाँ पे मस्जिद के पास खड़ी हूँ मैं ना, तो इस तरफ से आ रही है गाड़ियाँ। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि कुछ पार्किंग के लिए जाने के लिए वो कर रहे होंगे, तो इस वजह से यहाँ पे शायद जाम लग जा रहा है। तो आप टर्न में यहाँ पे जाम लग रहा है इस वजह से थोड़ा सा। अच्छा तो फ्रेंड्स मैं जा रही थी अभी नगर पालिका की तरफ ना, वहाँ पे कोई मीटिंग है दुकानदारों की, तो मैं कीचड़ में भी चली गई, मेरे पैर में सारा कीचड़ भी लगा हुआ है अभी। ये बोलना बहुत ज़रूरी था। तो मेरे साथ में अमित भी है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ कैमरा टर्न करके। तो अमित बताने वाले यहाँ पे कोई गेम चल रही है, तो उसके बारे में मैं अमित से पूछूंगी, एक्चुअली मुझे कुछ भी नहीं पता रहता है। तो चलिए कैमरा टर्न करते हैं अमित की तरफ, बताइए। तो हमारे साथ मिस्टर अमित शाह ब्लॉग्स। हेलो, तो दोस्तों यहाँ पर जो हो रही है स्टेट्स कप हॉकी हो रही है, हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है, इंटरनेशनल नेशनल टूर्नामेंट होता है। अच्छा, और पिछले 100 साल से भी ज़्यादा समय से ये टूर्नामेंट चल रहा है, और बड़ी अच्छी बात है कि रुका नहीं है। पिछले 2 साल कोविड की वजह से रुक गया था, तो 20 साल फिर से कंटिन्यू हुआ है। तो चलिए थोड़ी सी हमारे सामने यहाँ पर इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर भी दिखाई दे रहे हैं। कौन से वाले? राजन सिंह रावत जी शर्ट में, जिन्हें लाल के बगल में। अच्छा अच्छा, उधर को जो अच्छा रेड वाली बगल में जो, अच्छा अच्छा, इंडिया की टीम के गोलकीपर रह चुके हैं। अच्छा, ओलंपिक भी खेल चुके हैं। तो चलिए अमित जी ने हमको बड़ी अच्छी जानकारी दी, क्योंकि मैं सुबह दिखा रही थी, मैंने कहीं कुछ लगा हुआ है यहाँ पे, मैंने कहा क्या लगा हुआ है मुझे पता नहीं था इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे चल रही है हॉकी चल रहा है यहाँ पे, हॉकी का मैच। तो हम लोग एक्चुअली जा रहे थे नगर पालिका की तरफ मीटिंग में, तो चलिए हम चलते से पहले की मीटिंग खत्म हो जाए मैं तब पहुँचूँ। तो फिर तो भाभी आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो ट्रेड्स कप है बड़ा ही पुराना है। अच्छा। और यहाँ पर पाकिस्तान की टीम भी आके यहाँ पर खेल चुकी है। अच्छा। कुछ साल पहले पाकिस्तान की टीम भी आई है यहाँ पर खेलने के लिए, और बहुत ही पाकिस्तान की टीम 2 बार आ चुकी है अलग अलग। अच्छा, तो बड़ा अच्छा ये टूर्नामेंट है। अच्छा, और बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ से निकले भी हैं। अच्छा, तो चलिए अमित जी ने एक और जानकारी हमें दी है। तो सीरियसली मुझे ना, मेरा जनरल नॉलेज 0 है, तो मैं सभी को बताना चाहूँगी, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। तो मैं शर्मिंदा नहीं हूँ इस बात के लिए, मुझे इन सब चीज़ों की नहीं है जानकारी, तो नहीं है। तो देखिए दर्शक भी काफ़ी बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो चलिए हम चलते मीटिंग में। अमित मैच देख रहे हो, चल रहे हो आप? चलते हैं फिर, तो चलिए देखते हैं मुझे कौन मिलता है। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे नगर पालिका बिल्डिंग में हम लोग हैं, और यहाँ से देखिए फील्ड का नज़ारा कुछ इस तरह का दिख रहा है। अच्छा, तो ये लोग भी आ गए हैं, ये लोग तो बैठे हुए यहाँ पे सभी लोग। अभी मीटिंग शायद हुई नहीं है स्टार्ट, तो थोड़ी देर में स्टार्ट होगी मीटिंग, तो सभी लोग यहाँ बैठे हुए अभी, तो देखते हैं क्या होता है, बताती हूँ मैं इसके बाद। गुड इवनिंग एवरीवन। तो शाम के 4:45 बज चुके हैं, और इस तरह का क्राउड है यहाँ पे मार्केट में, और मेरा गला ना यार सही नहीं हो रहा, अजीब सी आवाज़ आ रही मुझे खुद को, मेरे कानों में चुभने वाली आवाज़ है। तो प्लीज़ बर्दाश्त कर लीजिए कुछ दिनों तक, और जब तक सही नहीं हो जाती मेरी आवाज़। लग तो रहा है जल्दी सही हो जाएगी, पर पता नहीं कितने दिन और लगेंगे, काफ़ी दिन हो गए हैं अभी तो आवाज़ ख़राब हुई है। तो इस तरह का क्राउड अभी है यार शाम को। तो आज बारिश नहीं हुई, सुबह से लग तो रहा था कि बारिश होती होती, कल का सा मौसम हो गया था बिल्कुल बारिश का, बट नहीं हुई बारिश ना। इस तरह का क्राउड है, और ना ही मैं आज टिबेटन मार्केट जा पाई। मैंने पहले सोचा था टिबेटन मार्केट जाऊँगी, फिर वहाँ भी नहीं जा पाई मैं दिन में, वहाँ मीटिंग से आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, उसके बाद मैं अब लगी हूँ शूट करने।
तो देखिए इस तरह का है यहाँ पे मार्केट का नजर, उस तरह का क्राउड है अभी। तो चलिए वापिस जाके अंदर ही बैठ जाती हूँ, खड़ा भी नहीं जाता, थोड़ी थकन सी हो जाती खड़े रहने में भी। तो मार्केट देखिए अंदर अंदर को ही है ना सारी मार्केट, तो इस तरह से पूरी मार्केट अंदर 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 अंदर, अंदर गई हुई है। भागो मत भाभी। तो फ्रेंड्स ये मैं आ चुकी हूँ श्री मानना देवी मंदिर की तरफ। तो इस तरफ में कुछ इस तरह का है नज़ारा। तो अभी अभी यहाँ पे ना हनुमान चालीसा का जो पाठ है ख़त्म हुआ है, यहाँ पे सैटरडे को सॉरी ट्यूसडे को ना 6 बजे से जो है हनुमान चालीसा का पाठ होता है यहाँ पे, तो वो ख़त्म हो चुका है। 6 बज के अभी हो चुके हैं, 7:45 बज चुके हैं अभी, तो काफ़ी देर हो गई ख़त्म हुए। तो मैं नेक्स्ट ट्यूसडे पक्का शूट करूँगी, मैं कब से सोच रही थी हनुमान चालीसा का जो होता है मैं शूट करूँ, बट मैं कभी नहीं शूट कर पाई। तो चलिए मैं चलती हूँ। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो शाम के ना 8 बज चुके हैं, शाम के नहीं रात के 8 बज चुके हैं। शॉप पर हूँ मैं इस समय, तो मैं सोच रही हूँ आज का व्लॉग है इसको यहीं पे एंड करते हैं, फिर कल को मिलेंगे नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जिन्होंने कर रखा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा आखिर तक, कमेंट भी कीजिएगा अच्छे अच्छे से। तो चलिए कल को मिलेंगे फिर नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।